हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लो फ्यूल प्रेशर और हाई फ्यूल प्रेशर पर आने वाले सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्यूल प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम कितने PSI होना चाहिए और फ्यूल प्रेशर कम होने और फ्यूल प्रेशर ज़्यादा होने पर कौन से ट्रबल कोड्स आते हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिनिमम फ्यूल प्रेशर 35 PSI होना चाहिए और मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर 65 PSI होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फ्यूल प्रेशर होगा तो इंजन में प्रॉब्लम आएगी, जो हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि लो फ्यूल प्रेशर पर क्या प्रॉब्लम आती है और लो फ्यूल प्रेशर होने पर कौन से ट्रबल कोड सेट होते हैं। तो लो फ्यूल प्रेशर होने पर इंजन मिसफायर, लो एक्सेलरेशन, रफ आइडलिंग, लॉन्ग क्रैंकिंग, इसके अलावा इंजन का देर से स्टार्ट होना, इंजन का लॉन्ग क्रैंकिंग के बाद स्टार्ट होना एक बड़ा कारण है। इस कंडीशन में फ्यूल प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा इंजन पावर लॉस होना भी लो फ्यूल प्रेशर का सिम्टम है। लो फ्यूल प्रेशर होने पर E0087 फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू लो का कोड बनता है। इस कोड के मेन कॉजेज में फ्यूल फिल्टर का चोक होना, फ्यूल इलेक्ट्रिक मॉडल का वीक होना, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का ओपन पोजिशन में स्टक होना। अब हाई फ्यूल प्रेशर पर आने वाले सिम्टम्स, कॉजेज और ट्रबल कोड्स को डिस्कस करते हैं। हाई फ्यूल प्रेशर का सबसे बड़ा कारण एयर फ्यूल रेशियो का डिस्टर्ब होना है। इस सिचुएशन में फ्यूल इंजन में अपनी रेशियो से ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण लो फ्यूल माइलेज, स्पार्क प्लग में फ्यूल की स्मेल आना, स्पार्क प्लग का काला होना और एग्जॉस्ट पाइप से फ्यूल की स्मेल आना शामिल है। नॉर्मली 2 बजे से हाई फ्यूल प्रेशर होता है। फ्यूल रिटर्न लाइन का बंद होना और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का क्लोज पोजीशन में स्टक होना। हाई फ्यूल प्रेशर पर बनने वाले ट्रबल कोड्स में P0088 फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू हाई, इस कोड का कारण है फ्यूल रिटर्न लाइन का बंद होना और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का क्लोज पोजीशन में स्टक होना। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्यूल प्रेशर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।